जय श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 26। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना, अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे, तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूँ और शाली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रूई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रख कर शैया का दान करें, वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चिन्नी का दान करें, मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें, सप्तरी घक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से ही भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों के धारण करने वाले बुद्धिमान दर्पण का दान करें, जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करें, लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें, दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है, तांबे के पत्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे, एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करें, वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्णों के टुकड़ों के सहित देवे और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकात्र से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है, वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वा में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे, वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित अथवा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें, शुद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गो का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करें, शुद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शुद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है, 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बानर योनि को जाता है, इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे
हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं, व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, धर्म का रहस्य कहा, इसका नित्य पाठ करें। जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 26 संपूर्णम्। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।